आज खुशतबात हो गए तुम। आई एम सॉरी मिस्टर बच्चन, बट लगता है आपने इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट नहीं पढ़ी। ऑफ ऑल थिंग्स दैट हैपेंड इन 2018, यूएन की इस हैप्पीनेस रिपोर्ट ने मुझे काफी सैड किया। इंडिया इज नॉट इवन ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 हैप्पीएस्ट नेशंस। 156 देशों की इस लिस्ट में हमारी रैंक 133वीं है। अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी सभी सात कंट्री से पीछे हैं हम। अफगानिस्तान में तो चलो प्रॉब्लम्स हैं, बट हमसे कम डेवलप्ड हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यूएन के अकॉर्डिंग ये सब हमसे ज्यादा खुश देश हैं। यूएन ने अपनी रैंकिंग पर कैपिटा इनकम, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल फ्रीडम, जेनरोसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन के बेसिस पर करी है, और हम लोग कलेक्टिवली एज अ नेशन सोशल सपोर्ट, जेनरोसिटी और सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी में लैग करते हैं। बट सीरियसली, इतने नाखुश हैं क्या हम लोग? और वैसे एक बात बताओ, ये हैप्पीनेस होती क्या है? यूएन को तो इसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका ब्रेकअप हुआ है या आप एग्जाम में फेल हुए हैं, या फिर मैं ये वीडियो रात को 4 बजे शूट कर रहा हूँ क्योंकि डेडलाइन मीट करनी है। तो ये बताइए, इंडियंस के लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू रेनोन्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा ब्रूटा, हर एज ग्रुप के अपने अलग अलग खुशी के मायने हैं। काफी ऑब्वियस ही बात है आई नो, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। सीनियर इंडियंस फील हैप्पी इफ समवन टचेस देयर फीट टू पे देम रिस्पेक्ट। सीनियर मेल इंडियंस को खुशी मिलती है जॉइंट फैमिली से, खास करके इफ देयर बहू ट्रीट्स देम विद देयर ट्रेडिशनल स्पेशलिटी इन फूड। जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। आई नो, सच प्रोग्रेसिव, मच वाओ। इंडिया में सर्च फॉर हैप्पीनेस इन एल्डर्स आल्सो लीड देम टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा वगैरह वगैरह। यंगर इंडियंस आर हैप्पी व्हेन दे एक्वायर न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मोबाइल, बाइक, कार एक्सेट्रा, इमेजिनिंग देमसेल्व्स एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इफ नॉट अहेड ऑफ देम। Young Indians nowadays also seek happiness in traveling and seeing the world. Gives us a sense of freedom, you see. But ye sab to external factors ho gaye, jinke hone se khushi aur na hone se sadness. Internal factors ka kya? Kya hum internally khush hain? UN ki World Happiness Report ki ranking ko bhool jate hain for a minute. WHO ke according, we are the most depressed country in the world, followed by China and the US. According to another report, in the last 10 years, the rate of anxiety and depression among corporate employees has increased by 45-50%. So much so that today, 42.5% of corporate employees in India suffer from depression. Matlab, har do mein se almost ek corporate employee anxiety or depression se jooj raha hai. But ye scene kya hai yaar? Itni bhasad kyun hai hum logon ke jeevan mein? Maybe because hum logon ke liye life... Please! अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाए। तो हम लोग इस रैट रेस में भागते रहते हैं फॉर मोर मनी, फेम, रिकग्निशन, सोशल एक्सेप्टेंस एंड वॉट नॉट। और जितना ज्यादा हम इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, उतना ज्यादा हम नाखुश हैं। हम इन चीजों के पीछे इतना ज्यादा इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है दैट वी ऑलवेज कंपेयर आवर लाइव्स टू दोज ऑफ अदर्स। और इससे इजाद हुई है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी, फोमो। अर्बन डिक्शनरी के हिसाब से फोमो और फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसिंग आउट ऑन समथिंग एज एन इवेंट और एन अपॉर्चुनिटी। जैसे पार्टी में ना जा पाने पर फोमो कि सब लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे, सेल्फीज क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे, एंड यू विल मिस ऑल ऑफ दैट। सोशल मीडिया इस फोमो की आग में घी का काम करता है। इट लीड्स टू अ कंपल्सिव डिजायर टू स्टे कनेक्टेड विद अदर पीपल्स लाइव्स ऑनलाइन ऑल द टाइम। हम लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह से इस लेवल पर एडिक्ट हो रहे हैं कि बाकी लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं या हमारे पोस्ट पर कितने लाइक आए या नहीं आए, दैट एक्चुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट लाइक एन ऑब्सेशन। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, दिस एडिक्शन इज एज बैड एज एन एडिक्शन ऑफ कोकेन और एल्कोहल। आई अग्री दैट इस मॉडर्न वर्ल्ड में कनेक्टेड रहने का बहुत ही पावरफुल टूल है ये। इवन आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू गाइज ऑन दिस मीडियम, बट मोर देन कनेक्टिंग इट हैज बिकम अ स्टॉकिंग टूल। समहाउ सोशल मीडिया साइट्स पर हर कोई हर समय खुशी नजर आता है, नहीं? द थिंग इज दैट सोशल मीडिया पोस्ट्स डू नॉट गिव अ फुल एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ पीपल्स लाइव्स। इट इज यूजुअली अबाउट ऑल देयर गुड टाइम्स एंड हाई पॉइंट्स। रियल लाइफ में जो गंगाधर है वो सोशल मीडिया पर शक्तिमान नजर आता है, और इसकी वजह से हमें हर समय ये लगता रहता है कि दूसरों के पास जो भी है वो हमसे बेहतर है। प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? सो वी ऑल गेट इनटू दिस रैट रेस टू रीच वेयर वी थिंक अदर्स आर, accumulating things that we don't need and doing things that we don't actually want to do. अपने आसपास देखिए जरा, काफी लोगों में ये बीमारी नजर आएगी, और क्या पता जाने अनजाने ये आप में भी कहीं आ गई हो और आपको इसका आइडिया ही ना हो। स्टडी शो दैट फोमो लीड्स टू एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन एंड हैज अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मूड स्विंग्स, लोनलीनेस, फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी, रिड्यूस सेल्फ एस्टीम, एक्सट्रीम सोशल एंग्जाइटी एंड इंक्रीज लेवल्स ऑफ नेगेटिविटी एंड डिप्रेशन। फोमो की वजह से देर इज ऑलवेज सो मच टू डू एंड टाइम ऑलवेज सीम टू बी रनिंग आउट। द थिंग इज दैट वी आर ऑल गोइंग टू फास्ट। डूड, लाइफ कोई रेस नहीं है यार, और दूसरों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं।
अपन सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, एंड आवर स्टोरीज आर बाउंड टू बी डिफरेंट टू, राइट? देन हाउ कैन वी ऑल बी पार्ट ऑफ द सेम रेस? यू कैन कंसिडर इट अ रेस विद योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू, आउट डूइंग योर सेल्फ एवरी टाइम. बट रेस ही अपनी है तो पैनिक किस बात का, अपनी पेस पे चलो, जीतोगे तो तुम ही. सो लेट्स जस्ट स्लो डाउन अ लिटिल, पॉज, टेक अ मोमेंट एंड आस्क आवरसेल्व्स इफ वी आर हैप्पी वेयर वी आर, इफ व्हाट वी आर डूइंग मेक्स अस हैप्पी, व्हाट इज इट दैट मेक्स अस हैप्पी. उस पे काम करते हैं बाय अनक्लटरिंग आवर लाइव्स एंड गेटिंग रिड ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस. ऑन एन एवरेज पीपल आर लेस हैप्पी व्हेन देयर माइंड्स आर वांडरिंग. व्हेन यू आर इन द मोमेंट यू आर हैप्पियर. सो लेट्स वर्क ऑन आवर प्रेजेंट एंड नॉट ड्वेल इन आवर पास्ट और वरी अबाउट आवर फ्यूचर. एज गांधीजी वंस सेड, जब हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और कर रहे हैं वो सब सिंक में हो, दैट इज व्हाट इज हैप्पीनेस. इट इज पॉसिबल टू रीडायरेक्ट योर अटेंशन, नोटिस वेयर योर अटेंशन इज. और दिमाग भटकते हुए नजर आए, स्पेशली वहां जहां यू नो दैट इट इज नॉट रियली प्रोडक्टिव और यूजफुल और एडिंग टू एक्सपीरियंस, तो भैया अटेंशन को वापस ले आओ टू व्हाट यू आर डूइंग. यू गॉट डू दैट रिपीटेडली अंटिल इट बिकम्स अ हैबिट एंड योर माइंड नो मोर वांडर्स. इसके लिए सोशल मीडिया पर कम डिपेंडेंसी विल डेफिनेटली हेल्प, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन. डूड, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ. यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट टू बेटर अंडरस्टैंड द लाइव्स ऑफ दोज हु आर लेस प्रिविलेज्ड देन अस, एंड डोंट फॉरगेट टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट इज गुड एंड मीनिंगफुल इन आवर लाइव्स. टेल मी व्हाट आर योर व्यूज ऑन हैप्पीनेस एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो.